गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक पीओ के बारे में, जिसका 46 बैच का जीडी और पीआई होने वाला था इस मंथ। तो उसके रिगार्डिंग जो कुछ अपडेट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को जो है इसका मेल नहीं आया है अभी तक, और काफ़ी लोगों को सिर्फ SMS ही आया है कि उनका GDPI इस मंथ में है। बट आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको जो है GD और PI का मेल इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वीक तक इस मंथ के आपको मेल आ जाएगा। जिनको SMS आया उनको मेल आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएगी, एडमिट कार्ड वगैरह उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपके मेल ID पे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपके GD और PI का। ठीक है, उसको लेके आपको जाना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका जो मेल है वो आपको लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ आ जाएगा। ठीक है, GD और PI का, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। अब आगे आपको क्या करना है, आपको तो मेल आ जाएगा, आपको जितने भी GD टॉपिक्स हैं ना उसको पहले प्रिपेयर करके रख लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है कि क्या क्या GD टॉपिक्स आएंगे। तो सिंपली आपको सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट करना है। अगर कुछ न्यू टॉपिक आता है तो उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन हमेशा जो है वही टॉपिक रिपीट होते हैं, तो इसलिए उन टॉपिक्स पे आपको कमांड करके रखना है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अभी से प्रिपेयर करो, सब चीज़ आ जाएगा, बेसिक से समझो उसको। ठीक है, तो आपको GD टॉपिक कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद जो है आपको प्रिपेयर बैंकिंग अवेयरनेस, आपको बैंकिंग अवेयरनेस का थोड़ा तो भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जितने भी बैंकिंग टर्म्स है उसको आप पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपका बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। बेसिक बैंकिंग आपको आना चाहिए कि लोन क्या होता है, चेक क्या होता है, ECA क्या होता है, NPA क्या होता है, रेपो रेट वगैरह। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है आपको कलेक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, देखिए आपको अभी सभी डॉक्यूमेंट जो है अभी क्लियर करना है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, सारी चीज़ें आप अभी से क्लियर करके रख दो, बनवाने दे दो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है तो कॉलेज से जाके ला लो, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट रहती है ओरिजिनल की। तो अगर आप अभी कुछ PG वगैरह कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको कलेक्ट करके रख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद जो है आपका बी कॉन्फिडेंट, देखिए कॉन्फिडेंट रहिए, हर चीज़ आपका GDPI है तो आपको एक कॉन्फिडेंट रखना है कि आपको एक कुछ नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो बस उसी एक्सपीरियंस के लिए आपको जाना है कि GD और PI का एक्सपीरियंस कैसे होता है वो लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वो। आपका जो अंदर का डर है ना इंटरव्यू का, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको कोई फांसी देने वाला नहीं है, यह बात ध्यान में रखो। इसलिए कॉन्फिडेंट होकर रहना है आपको, और कोई टेंशन नहीं लेना है। और काफ़ी लोग जो है ड्रेस कोड के बारे में पूछ रहे थे, तो ड्रेस कोड जो है आपको फॉर्मल रखना है तो अभी से सिलवा लो, आपके पास नहीं है तो। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस आपके पास होना तो वो आपके लिए जो है अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपने ध्यान रखना, गुड बाय।